बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड पेटीज, और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट लिया था 1 टी स्पून। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। जब ये अच्छे से सॉटे हो जाए तो एक रेगुलर अनियन मीडियम साइज़ का अच्छे से चॉप करके और इसे ऐड करेंगे और अच्छे से इसे सॉटे करेंगे। इसे बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस सिर्फ सॉटे करना है 1 से 2 मिनट। और उसके बाद यहाँ मैंने श्रेडेड चिकन डाली है जो पहले से ही मैं बॉईल कर चुकी थी। बेसिकली इस चिकन से हमें एक यखनी भी बनानी है, और उसके लिए मैंने ऐड किया था वाटर। वाटर के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और इसके अलावा जो है वो मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। और जब वो अच्छे से पक गया, यखनी अलग हो गई, तो उस वक्त चिकन अलग कर दिया, उसको श्रेड कर लिया और यखनी अपने पास साइड में छान के रख दी। अब इस पॉइंट पे जब अच्छे से ये चिकन इसमें मिक्स हो गई थी, तो हमने यहाँ मैदा लिया 1 एंड हाफ टेबल स्पून, और उसको अच्छे से इसमें पकाएंगे, मिक्स करेंगे 2 मिनट तक इसे इसमें पकाएंगे। और उसके बाद वो यखनी जो हमने अलग करके रखी थी 1/2 कप इसमें वो यखनी ऐड करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ताकि मैदा अच्छी तरीके से पक जाए। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला था, कुछ भी इसमें नहीं डाला था, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी सब कुछ था। जब ये अच्छे से कुक्ड हो जाएगा तो हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारे पास नमक इसमें ठीक है या नहीं, और उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे आके मैंने 2 ग्रीन चिली बारीक इसको अच्छे से चॉप कर ली थी, वो ऐड की है, और यहाँ 1 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्च डालूंगी। आप लोगों को अगर ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हो, और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। बस इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 टीस्पून मैंने यखनी में भी डाला था, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने यखनी में जो है वो वाइट पेपर भी डाला था, इसमें ऐड नहीं किया। और नमक इसमें बिल्कुल ठीक था, तो इसमें नमक भी ऐड नहीं किया क्योंकि यखनी में ऑलरेडी ऐड था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी थिक कर देंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ स्लरी 1 टेबल स्पून से, 1 टेबल स्पून मैदा लेकर, और ब्रेड के कॉर्नर्स हम कट कर देंगे। और रोलर पिन की हेल्प से जो है वो हम इसको अच्छे से फ्लैट करेंगे, और चिकन का पेस्ट इसके बीच में डालेंगे। स्लरी हमने इसलिए बनाया, पानी से भी ये जो है वो चिपक जाता है ब्रेड, लेकिन जो स्लरी है उससे ये ओपन नहीं होती, बहुत सेफ रहता है इससे। इसके चारों तरफ हम ये स्लरी लगाएंगे और इसको रैप कर देंगे अच्छी तरह से। और सारी ब्रेड इस तरह से हमने रेडी कर दिए। यहाँ मैंने 2 eggs लिए थे और क्रम लिया था। बस ये पेटीज जो है हम एग पे डिप करेंगे और उसके बाद इसको कोट करेंगे क्रम के साथ। और जब हम इसे कोट कर देंगे, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये 15 डेज तक आप इसे डीप फ्रीज करके रख सकते हो। बहुत इजीली आपने करना क्या है,
जब ये कोट हो जाएं तो इसको अलग अलग सिंगल शीट पे बिछा कर डीप फ्रीज़ कर दें, और डीप फ्रीज होकर जब ये बिल्कुल अच्छे से डीप फ्रोज हो जाएं तो इसे किसी भी शॉपर में या फिर किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हो। ये इजीली 15 डेज तक, 15 to 20 डेज तक आप डीप फ्रीज में रख कर यूज़ कर सकते हो। इसे फ्राई करेंगे और बस एक साइड आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको सिर्फ गोल्डन आने तक फ्राई करना है। और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।